हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वर्कशीट 9 यूनिट 7 का सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये क्लास 5 का डीएवी मैथ्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2.8 डिवाइड बाय 0.7 है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको रफ में एक चीज़ दिखाती हूँ। अगर 2.8 से हम लोग 0.7 डिवाइड करेंगे, ये बहुत मुश्किल होता है डिवाइड करना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये 0.7 यानी जो डेनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए, जैसे 2.8 इंटू 0.7 इंटू 10 से 0.7 को मल्टीप्लाई करने से ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर भी हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। तो 2.8 इंटू 10 28 बाय 0.7 इंटू 10 7, तो 7 वन जा 7, 7 फोर जा 28, तो आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6 डिवाइडेड बाय 0.4। इसको भी नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने से ये 4 हो जाएगा, ऊपर भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 36/4। लोएस्ट टर्म्स में करेंगे, 4 वन जा 4, 4 9 जा 36, तो 9 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 डिवाइडेड बाय 0.8। नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 8 हो जाएगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32/8 आएगा, तो 8 वन जा 8, 8 फोर जा 32, 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी 8.5 डिवाइडेड बाय 1.7। इसको डेनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये होल नंबर हो जाएगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 85/17। लोएस्ट टर्म्स में करेंगे, 17 वन जा 17, 17 फाइव जा 85, 5 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई 0.75 डिवाइडेड बाय 0.15। तो यहाँ 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 को ताकि ये होल नंबर हो जाएगा, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75/15 आएगा। लोएस्ट टर्म्स में करेंगे, 15 वन जा 15, 15 फाइव जा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.25 डिवाइडेड बाय 2.5। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ जैसे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर है और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो हमको नीचे वाले नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और ऊपर भी 10 ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा हम लोग का 12.5/25। अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कैसे करेंगे। 12.5 डिवाइडेड बाय 25, पहले होल नंबर पार्ट को देखेंगे, तो 12 है विच इज़ लेस देन 25, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर को कंसिडर करेंगे हम लोग, तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट देंगे पहले, 125 होता है, तो 0.25, 5 जा 125, माइनस करेंगे 0, तो आंसर होगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6 डिवाइडेड बाय 1.4। तो इनटू 10 करेंगे नीचे, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 56/14 इक्वल टू, लोएस्ट टर्म्स में करेंगे, 14 वन जा 14, 14 फोर जा 56, तो 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2।
अभी नीचे वाले नंबर को होल नंबर में करेंगे, सो इनटू 10 करेंगे, ऊपर भी इनटू 10 करेंगे, तो 14.4 डिवाइडेड बाय 12 आएगा। यहाँ करेंगे डेसिमल डिवीज़न बाय 12, तो ये होल नंबर पार्ट को देखिए 14 है जो 12 से ज़्यादा है, सो 12 वन जा 12 माइनस 4 माइनस 2 2, अभी पॉइंट के ऊपर, अभी मैं पॉइंट लगाई, ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट दी, 4 नीचे आएगा 24, तो 12 2 जा 24 माइनस ये 0, तो आंसर आएगा 1.2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.993 डिवाइडेड बाय 0.331, अभी नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1000 से करेंगे, तो आएगा 993/331 इक्वल टू लोएस्ट टर्म्स में करेंगे 331 1 जा 331 331 3 जा 993, तो आंसर है 3। लास्ट क्वेश्चन है 25.925 डिवाइडेड बाय 0.425 इनटू 1000 से करेंगे हम लोग, तो 25.925/425 आएगा। चलिए मैं इसको लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करती हूँ, तो 25 से हम लोग कर सकते हैं, 25 से रिड्यूस करने से ये आ रहा है 25 1 जा 25 17 175, तो 25 7 जा 175, इसको करने से 25 1 जा 25 9 नीचे आएगा, तो 9 नहीं होगा 0, 92 आएगा, 25 3 जा 75 माइनस करने से 17, तो 5 फिर नीचे आएगा 175, तो 25 7 जा 175, तो अभी 17 से फिर रिड्यूस करेंगे, 17 1 जा 17, तो 17 6 जा 102, तो 3 माइनस 2 1, और 7 नीचे आएगा 17 17 1 जा 7, तो आंसर होगा 61। तो इस तरह से हम वर्कशीट 9 को कर सकते हैं। मैं इसका एक 2-3 ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी। अभी मैं इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने को आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे अभी देखिए, ऊपर और नीचे एक पॉइंट के बाद, एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, और यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो आप अगर कोई क्वेश्चन को मेंटली कर रहे हैं तो डायरेक्टली इसको 28/7 कीजिए और लोएस्ट टर्म्स में कैंसिल कीजिए, जैसे 7 1 जा 7 7 4 जा 20, तो आंसर 4 आएगा। अगर इस टाइप का हो, डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं और यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, यानी कि मतलब है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन मेंटली कर रहे हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद अगर दो नंबर है न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर में, या एक नंबर है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में, तो आप डायरेक्टली उसको वो नंबर लेके डिवाइड कर लीजिए। अभी इसको लोएस्ट टर्म्स में कर दीजिए, 15 1 जा 15 15 5 जा 75 5। ये लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम मेंटली करना है तो ऐसे कीजिए, नहीं तो फिर स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना होता है आप लोगों को। तो अगर ये देखिए, जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद तीन नंबर है ऊपर और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद
डेनोमिनेटर में भी 3 नंबर है, तो डायरेक्टली आप मेंटली इसको 993/331 कर लीजिए, फिर लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस कर दीजिए, 331 जा 331, 331 3 जा 993, तो 3 आंसर। ये लेकिन मेंटली ही आप लोगों को करना है। एक एग्जांपल कंपेयर करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेंटली आप कर सकते हैं और ये स्टेप वाइज आप लोगों को करना है इस टाइप से। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मेंटली आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इस टाइप से कर लीजिए, अगर स्टेप वाइज करना है तो इस टाइप से आप कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्कशीट 10 सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू।